बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का आपके अपने ही चैनल एग्जाम अपडेट में। एक बार फिर से आप लोगों के लिए सरकारी नौकरी अगर आप पाना चाहते हैं तो आपके लिए बड़ी भर्ती सामने निकल के आई है। बनेंगे इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको बताएंगे। पद जो है वो आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। अगर आप 8वीं 10वीं 12वीं पास है, पुरुष महिला है, तो आज ही आवेदन कर दीजिए इस फॉर्म को। सारी जानकारी हम आपको देंगे इसके बारे में कैसे फॉर्म को भरना है। फॉर्म को आप देख सकते हैं, यह है एप्लीकेशन की फॉर्म और यह फॉर्म आप ऑफलाइन भरेंगे। आप देख सकते हैं कि SSA मैनेजर, सोशल वर्कर, अकाउंटेंट और यहां पर जो है मेरे पास पूरा फॉर्म भरेंगे। हम आपको बताएंगे कैसे फॉर्म को आवेदन करना है, तो बने रहिए हमारे साथ। एक एक करके हम आपको सारी जानकारी देंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें ये जो वैकेंसी है वो निकल के आ रही है महिला विकास और बाल कल्याण विभाग, यानी कि महिलाओं की वैकेंसी है। महिला और पुरुष, मेल और फीमेल दोनों लोग ये फॉर्म को आप भर सकते हैं। आपको बता देना चाहते हैं ये वैकेंसी आप पुरुष महिला कहीं से भी हैं, आप इस किसी भी राज्य से हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 2020 की अंतिम वैकेंसी निकल के आ रही है, सबसे बड़ी वैकेंसी आपको हम दिखा रहे हैं। इसके अलावा आपको हम बता देना चाहते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, ये आप देख सकते हैं महिलाओं की जो बाल विकास की वैकेंसी आई है, जो कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कहते हैं सही देश के लिए और जो है बच्चों लोगों के लिए जो है आंगनवाड़ी वगैरह की वैकेंसी आती है वो इसी के अंतर्गत आती है। तो आपको हम बताएंगे सारी वैकेंसी के बारे में कैसे कैसे फॉर्म को भरना है। लेकिन इससे पहले हम आपको एक और बड़ी जानकारी दे दें दोस्तों, अगर आप रेलवे एनटीपीसी 2020 की तैयारी कर रहे हैं तो क्यों हम आपको रेलवे की पूरी करंट आपको दे देंगे नोट्स। जी हां, 25 GB का NTPC के आपको मटेरियल दे देंगे, जो कि आपको खुद अपनी इंटरनेट से भर डाउनलोड करना होगा। जी हाँ, आपके पास अगर इंटरनेट कनेक्शन है तो 25 GB का इंटरनेट आपको जो है आपके ईमेल आईडी पे हम आपको भेज देंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी NTPC की तैयारी कर रहे हैं, जी हाँ CBT 1 और CBT 2 दोनों के अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही बड़ी वैकेंसी के बारे में आपको हम बता रहे थे। ये वैकेंसी जो है अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं, 25 GB के NTPC के मटेरियल आपको हम लोग सीधे आपके जो है ईमेल आईडी पे हम आपको दे देंगे। तो कैसे आपको इसको पाना है तो वो हम आपको बता दें। तो इसके लिए आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट करके आप अपना नीचे जो है ईमेल आईडी आप टाइप कर दिए। जी हाँ, ईमेल आईडी आप जैसे ही आप नीचे टाइप करेंगे, हम लोग आपको जो है आपको हम ये जो है पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल आपके अकाउंट में भेज देंगे और 25 GB का स्टडी मटेरियल आपको खुद वो डाउनलोड करना होगा। तो जल्द से जल्द ये काम करिए। तो आइए हम आपको बताते हैं इस वैकेंसी के बारे में। तो आप देख सकते हैं कि इसकी योग्यता जो है वो है 10वीं पास, बैचलर्स जो डिग्री है वो भी भर सकते हैं, MSc पास है तो भी आप भर सकते हैं। इसके लिए हम आपको सारी जानकारी देंगे। सबसे पहले पोस्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो पदों की संख्या जो है वो है 4700 पद है और SSA की पोस्ट है सामाजिक कार्यकर्ता नर्स की, और यहां पर आप देख सकते हैं चौकीदार, लेखाकार और सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर। जी हाँ, तो ये सब जो नीचे की 2-3 पोस्ट है वो है 10वीं पास के लिए। 10वीं पास अगर आप पुरुष महिला जो भी हैं आप फॉर्म को भर सकते हैं, यहां पर जो है वो ग्रेजुएशन वालों के लिए है। तो आइए हम आपको बताते हैं, लेके चलते हैं एक और बड़ी बात। ये फॉर्म भरने का जो अंतिम तिथि वो है 26/11 यानी 26 नवंबर तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं दोस्तों। इसके लिए एज डिटेल जो मांगी गई है वो आप देख सकते हैं। अगर आप मेल और फीमेल है, अगर आपकी उम्र जो है 50 साल तक अभी तक नहीं हुआ है तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी की बात है। तो अब हम आपको बताएंगे फॉर्म कैसे भरना है। तो दोस्तों यहां पर आपको एक छोटी सी लिखित परीक्षा होगी जो कि 50 नंबर की परीक्षा होगी और 50 नंबर का आप एक एग्जाम देना होगा, वो भी ऑफलाइन। तो हम आपको बताएंगे सैलरी जो है वो स्टार्टिंग में आपको 18,000 तक मिलेगा। और दोस्तों यहाँ पर एप्लीकेशन फीस फॉर्म जो है वो आपको हम बताएंगे कैसे इसको फॉर्म भरना है। तो जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन के बटन पे आपको क्लिक करेंगे तो आपके पास ये फॉर्म निकल कर आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एप्लीकेशन का फोटो आपको जो है वो चिपकाना है और आपके बाद इसके बाद आपको अपना पर्सनल नाम भरना है। तो जैसे मेरा नाम जो है वो अमन है तो मैं अमन कुमार भर दे रहा हूँ, और यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका एड्रेस है वो आप एड्रेस को यहाँ पर पूरा फिलअप करेंगे। आपके पास आपको अपना मोबाइल नंबर जो होगा वो आपको अपना मोबाइल नंबर जो है आप यहां पर भरेंगे। इसके बाद आपको अपना एक ईमेल आईडी भर देना है, जो भी आपका ईमेल आईडी है मेल फीमेल जो है तो आप इस पर टिक मारेंगे। डेट ऑफ बर्थ जो है वो यहां पर भरेंगे। इस फॉर्म को आपको डाउनलोड करना है। अब आप देख सकते हैं इसके बाद आपके पास दूसरी नंबर की फॉर्म आएगी, वहां पर आपको भरना है। अगर आप 10th पास है तो यहां पर लिखेंगे 10th, और यहां पर देख सकते हैं कौन सी कॉलेज से है तो आपको यहां भरना है डिग्री कितनी है, कहां से कहां तक, और आपके कितने परसेंट नंबर आए। जैसे मेरे 90% नंबर अगर मैं फॉर्म भर रहा हूं, और यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर बस थोड़ी मोड़ी चीज है ये आपको नहीं भरना है। इसके अलावा
अगर आप इससे पहले कहीं भी महिलाओं बच्चों वगैरह के लिए कहीं जॉब किए हैं तो आपको यहां पर भरना होगा, और कितने दिनों की ट्रेनिंग है वो आपको भरना होगा। इसके अलावा आपको बताया जा रहा है कि अगर आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज है तो आप यहां पर आप लिख सकते हैं कि स्किल इन कंप्यूटर, या आप यहां पर किसी में विक में भी टिक मार सकते हैं। अगर आपके पास कंप्यूटर का स्किल है, अगर अच्छा खासा स्किल है तो एक्सीलेंट में मारेंगे, या अगर गुड है तो आप गुड में मारेंगे, एवरेज है या फिर नो एक्सपीरियंस है तो आप यहां टिक मारेंगे। अगर एमएस वर्ड आपको चलाने आता है, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, तो आप यहां पर आप देख सकते हैं। उसी तरीके से अगर आपको इंटरनेट चलाने आता है तो आप इन सबको टिक मारेंगे। जी हाँ, तो ये स्किल के आधारित पर आपको जॉब दिया जाएगा, जो कि काफी बढ़िया है। उसके बाद आप यहां पर अपना सिग्नेचर करेंगे, जैसे कि आपका जो भी नाम है, डेट, जो जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हैं। उसके बाद इस फॉर्म को कैसे आवेदन करना वो हम आपको बता दें। तो इस वीडियो के नीचे आप जाएंगे तो यहां पर एक एरो का बटन दिखेगा, उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको एक लिंक मिलेगा। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके पास खुलकर आ जाएगा एक पेज, जो कि आपको दिखेगा यहां पर एक फॉर्म भरने का लिंक, और वही लिंक पर जाकर आप जो है इस तरीके का फॉर्म आएगा। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप यहां पर पढ़ सकते हैं, अप्लाई करना है तो आप यहां पर पढ़ सकते हो। तो जल्दी से जल्दी जाइए नीचे और फॉर्म भरिए। और आपको बता देना चाहते हैं, अगर आप भी 25 GB का स्टडी मटेरियल अगर आप पाना चाहते हैं, घर बैठे 25 GB का स्टडी मटेरियल आपको दिया जाएगा, तो बस आपको अपना ईमेल आईडी नीचे टाइप करना है। आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया। तो वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करिए। मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।